हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है युवान का सेकंड बर्थडे। अभी बजे हैं सुबह के 8। पूजा रखी थी तो बस अब युवु को रेडी करना है, इसलिए सुबह सुबह उठा दिया। नींद से उठकर बर्थडे विश किया। तो जैसे कि मैंने लास्ट मिनी व्लॉग में बताया था कि इस बार उसका बर्थडे हम शिमला में सेलिब्रेट कर रहे हैं। युवान ने अच्छे से पूजा करी। वेन्यू फाइनल किया था साउथ गेट होटल इन छोटा शिमला, वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन शिमला। तो अभी हम आए थे देखने होटल में प्रेपरेशंस वगैरह, और ऑल थैंक्स टू बलून डेकोरेशन शिमला एंड द गाय नेम्ड मोहित। शॉर्ट टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा डेकोरेशन उन्होंने कर दिया। इंस्टाग्राम पर उनका पेज है आइडलिक इवेंट्स के नाम से, तो आप लोग भी अगर कराना चाहें शिमला में डेकोर तो उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैंशन करूँगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं युवान का हैप्पी बर्थडे मनाने? हैप्पी बर्थडे युवान। हेलो काशु दीदी, माता दी, जय माता दी। तो हम अभी निकले हैं घर से, युवान का बर्थडे है आज। अभी हम वेन्यू पे जा रहे हैं, बस सब रेडी होके निकले हैं। युवान है, मम्मा है, काशवी है, अनुवेश भैया है। हेलो। तो हम सब रेडी होकर निकल गए वेन्यू के लिए। युवान बहुत एक्साइटेड है फॉर हिज बर्थडे पार्टी एंड स्पेशली फॉर हिज केक। मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियोस बनाई क्योंकि पार्टी में तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और हम फाइनली वेन्यू पे पहुंच गए। हमें ये वेन्यू काफ़ी अच्छा लगा था। उनका पार्किंग स्पेस भी ठीक था और बैंक्वेट हॉल भी काफ़ी अच्छा है छोटे ओकेजन्स के लिए। आप लोग भी ज़रूर एक बार यहाँ फंक्शन करें, आइदर डे और नाइट। बस फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब ने आना शुरू किया वेन्यू पर। मम्मा पापा भी उसी दिन ऊना से यहाँ आए थे शिमला। एंड गाइस, है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट ऑफ द इवनिंग, युवान्स मामू एंड मेरे भैया, जो कि लास्ट नाइट ही लंदन से चंडीगढ़ आए। भाई फर्स्ट बर्थडे पे यू का अटेंड नहीं कर पाए थे और हम सब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मिल रहे थे। बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था उसको मिलना और उसका स्पेशली बर्थडे वाले दिन आना। थैंक यू भाई फॉर कमिंग एंड मेकिंग युवान्स बर्थडे इवन मोर स्पेशल। वी ऑल लव यू। बस कुछ गेस्ट का वेट कर रहे थे केक कटिंग के लिए एंड युवान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। उससे शायद ही ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी और को होगी। बस फिर उसने थोड़ा डांस करना स्टार्ट किया और सबको एंटरटेन करना भी। कुछ गेस्ट आ गए थे टाइम पे तो स्टार्टर सर्व करवा दिए एंड दीज गाइज ऑलरेडी स्टार्टेड। इनकी तो अपनी पार्टी चलती है। लुक एट द नाइट व्यू, सो अमेजिंग। आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी इन शिमला विद परफेक्ट लोकेशन। एंड बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन एंड कुछ और स्विंग्स भी थे एंड फोटो लवर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी लोकेशन थी जो हमने बिल्कुल भी मिस नहीं करी। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ गए और युवु का बर्थडे केक भी आ गया जो कि उसकी चॉइस का था, हिज फेवरेट BMW लोगो केक, जिसके लिए वो शायद काफ़ी दिनों से एक्साइटेड था एंड ही नोज कि आज फाइनली उसे देखने को मिलेगा। यस, ओनली देखने को, क्योंकि खाना तो उसने बिल्कुल भी नहीं था। केक कटिंग करी फाइनली सबके आने पर। सब उसे खिलाने की ट्राई कर रहे थे और वो बस BMW को कोई ख़राब ना करे वो देख रहा था। इवन जब वेटर सर्व करने के लिए ले जा रहे थे तब भी रोने लग गया कि किसी और को केक मत खिलाओ। ऐसे ही होते हैं बच्चे, प्यारे से और ना समझ से। Happy birthday.
युवान ने सबके साथ डांस किया और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फर्स्ट बर्थडे पर तो छोटा था, कुछ पता नहीं चला उसको, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि इस बार उसका सेकंड बर्थडे भी हम थोड़ा सेलिब्रेट करें। एटलीस्ट उसको थोड़ा समझ भी आए और वो खुद भी इंजॉय कर पाए, और उसको भी काफ़ी अच्छा लगा इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। एंड सब कुछ उसे याद था कि क्या करना है, क्या किया, क्या नहीं किया, एवरीथिंग। तो अराउंड 9:30 हो गए थे और खाना भी रेडी था, डिनर टाइम हो गया था। युवान ने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स दिए और इतना एक्साइटेड था हर चीज़ के लिए, कभी इधर से उधर, बस मस्ती कर रहा था सबके साथ। सो बस फाइनली पार्टी ओवर हुई, और गाइज ये रहे हमारे कुछ फैमिली पिक्चर्स जो हम सब ने वहाँ क्लिक की थी। सो यही था आज का व्लॉग, और एंड करते हैं यहीं पे व्लॉग को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट युवान्स सेकंड बर्थडे पार्टी। थैंक यू ऑल द गेस्ट फॉर कमिंग एंड मेकिंग आवर डे मोर एंड मोर स्पेशल विद योर प्रेजेंस। एंड गाइज मैं इसके साथ गिफ्ट्स का वीडियो नहीं बना पाई, बट येस एक स्पेशल गिफ्ट का वीडियो ज़रूर है। ये युवान का उसके दादा दादी ने गिफ्ट किया है, सिल्वर कॉइन विद हिज फोटो, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एनग्रेव्ड ऑन इट। वेरी वेरी यूनिक आइडिया जो कि पापा को ही आ सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।